Press the bell icon of the e-Parshala channel and never miss another update. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मेरा नाम विजय है और आप भी पाठशाला के चैनल को देख रहे हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। वीडियो का पहला पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है। वीडियो के पहले पार्ट में दोस्तों हमने जानने की कोशिश करी थी कि कैसे कांग्रेस जो थी पहले 3 सालों तक काफ़ी हद तक अपना प्रभुत्व बना पाई थी, यानी कि डोमिनेंस बना पाई थी। तो दोस्तों अब हम इस चैप्टर के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से इलाके थे जहां पर क्या कहते हैं पूरी तरीके से प्रभुत्व कांग्रेस का नहीं रहा था, डोमिनेंस नहीं रहा था और उसकी वजह से क्या कहते हैं कांग्रेस अपनी छवि वहाँ पर अच्छा नहीं बना पाई। तो उनमें से एक एग्जाम्पल थे केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। 1957 के अंदर कांग्रेस पार्टी में एक केरल जो था कांग्रेस पार्टी का एक केरल एक ऐसा इलाका था जहां पर कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी केरल के विधानसभा के अंदर जीती। तो यहां पर मार्च के महीने में जो विधानसभा में चुनाव हुए थे केरल के अंदर, तो केरल की विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। और साथ में दोस्तों ऐसा भी ये कहा जाता है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 सीटों में से अगर उनको सिर्फ और सिर्फ 60 सीटें हासिल हुई थी तो बहुत बड़ी बात थी। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं 5 ऐसी और पार्टियां भी थी जिन्होंने पूरी तरीके से सीपीआई का कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी तरीके से साथ देने की कोशिश कर दी, यानी कि समर्थन दिया। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर उस नबुदारीपाद ईएस नबुदारीपाद जो है दुनिया के पहली बार मंत्रालय का गठन कर पाए, यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव की वजह से एबी नबुसारीपाद जो है उन्होंने पूरी तरीके से सरकार को बनाया और पहला अवसर कम्युनिस्ट पार्टी को प्राप्त हुआ कि जिन्होंने लोकतांत्रिक लेवल पर चुनाव जीता और वहां पर कांग्रेस मुक्त सरकार बनाने की कोशिश करी। तो कम्युनिस्ट सरकार लोकतांत्रिक चुनाव सत्ता के जरिए पहली बार केरल के अंदर आई थी जो कांग्रेस मुक्त सरकार थी। तो पहले चीफ मिनिस्टर आप देख सकते हैं केरल के चीफ मिनिस्टर यही थे और इन्होंने ही क्या कहते सबसे पहले सरकार जीती थी। तो यहाँ पे उन्होंने फिर पूरी तरीके से सरकार ने क्या करा कि 1959 के अंदर सीपीआई सरकार के खिलाफ, यानी कि सीपीआई वही कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष जो है वो छेड़ दिया। और मुक्ति संघर्ष छेड़ने की वजह से यहाँ पर केंद्र के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने एक आर्टिकल लेके आया जैसे बोलते हैं 357 एक आपातकाल के समय लगाया जाता है। ये आपातकाल का एक पहला एग्जाम्पल था, इमरजेंसी का पहला एग्जाम्पल था जिसकी वजह से सीपीआई की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया था। आर्टिकल नंबर 356 दोस्तों है क्या, इसके बारे में अगर आपको डीपली जानना है तो आप विकिपीडिया के अंदर जान सकते हैं। लेकिन केरल में कम्युनिस्ट की जीत हुई थी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन 1959 के बाद जो मुक्ति संघर्ष चलाया गया था पूरी तरीके से कांग्रेस के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि कम्युनिस्ट पार्टी का खात्मा हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व की जो प्रकृति थी वो कैसी थी, यानी कि जो कांग्रेस शुरुआती समय से बना हुआ आ रहा था इतना अच्छा संगठन था तो वो सामाजिक और विचारात्मक संगठन क्यों था, यानी कि वो पूरी तरीके से सोशल और आइडियोलॉजिकल कॉलिनेशन वाला कांग्रेस क्यों था। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी पहले भी पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस का जन्म जो था वो 1885 के अंदर हुआ था और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि शुरुआती समय में कांग्रेस के अंदर पूरी तरीके से शिक्षित वर्ग, व्यवसायिक वर्ग, वाणिज्यिक वर्ग, ये सारे वर्ग जो थे इनका पूरी तरीके से उनके अंदर बोलबाला था। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि शुरुआती समय में जो कांग्रेस बनी थी वो तो कहीं ना कहीं उसमें अमीर वर्ग था, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता चला गया तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि शुरुआती समय में अंग्रेजी बोलने वाले सदस्य और पूरी तरीके से जो अमीर वर्ग के सदस्य थे, उछले वर्ग के सदस्य थे, वो लोग इसके अंदर थे। लेकिन धीरे धीरे जब सविनय अवगत आंदोलन चलाया गया 1920 के दशक में चलाया गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं और लोग जुड़ना चालू हो गए। तो 1920 के दशक में आप देख सकते हैं कि सविनय अवगत आंदोलन चलाया गया था और आंदोलन की वजह से कई अन्य लोग भी पार्टी के अंदर शामिल हुए। बड़े पैमाने पर हम बोल सकते हैं किसान, ग्रामीण में रहने वाले लोग, श्रमिक लोग, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के जितने भी लोग थे उन सभी ने धीरे धीरे करके कांग्रेस के अंदर अपनी जगह बनानी चालू कर दी। इससे बोल सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी ना वो एक सामाजिक विचारधारा से जुड़ी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो पहचान थी वो इन लोगों की भी होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि शुरुआती समय में इन लोगों ने कांग्रेस के अंदर जुड़ना चालू कर दिया।
तो ऐसा बोल सकते हैं कि विश्वास जो था काफ़ी निचले वर्ग के लोगों तक पहुंचना चालू हो गया, और इसकी वजह से जो कांग्रेस है एक आइडियोलॉजिकल कॉलोनेशन इसलिए बन गया क्योंकि कांग्रेस के अंदर कुछ क्रांतिकारी लोग भी थे जो कंजर्वेटिव भी थे, शांतिपूर्ण भी थे, रेडिकल भी थे, गर्मपंथी भी थे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट भी थे, मॉडरेट भी थे, लेफ्टीज भी थे, राइटीज भी थे, मतलब सारे लोग धीरे धीरे करके कांग्रेस एक ऐसा मंच बन गया जिसमें सभी लोग जो थे इसके अंदर इन्वॉल्व होना चालू हो गए। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि हम लोग गठबंधन जैसे चरित्र में कांग्रेस को मजबूत किया। इस वजह से विभिन्न जब विचारधाराएं इसके अंदर एक्युमुलेट होने लग गई, मिलने लग गई, तो उसकी वजह से विपक्षी दल जो है कहीं ना कहीं उदय होने लग गया। कांग्रेस के अंदर कुछ बातें लोगों को पसंद आती थी, कुछ बातें लोगों को पसंद नहीं आती थी। शुरुआती 3 दशकों तक तो ये देखा गया कि कहीं ना कहीं जो मुख्य धारा में चलने वाली पार्टी थी, मेन स्ट्रीम में चलने वाली पार्टी थी, वो कांग्रेस थी। लेकिन कांग्रेस के अंदर लोगों का जुड़ाव जैसे जैसे होता गया तो उसकी वजह से विपक्षी दल हैं उनकी विचारधाराओं का उदय होता गया, यानी कि उनके सामने कठिनाइयाँ आती चली गई और कांग्रेस जो है वो उदय होता रहा, और उसके अंदर कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग जुड़ने लग गए। इसकी वजह से जो कांग्रेस जो है उसके अंदर आंतरिक मतभेद होने लग गए, कई दल और संगठन जो है कांग्रेस के भीतर ही मजबूत होने लग गए, है ना। तो उसी के अंदर कांग्रेस पार्टी को छोड़ छोड़ के लोग जाने लग गए और नई पार्टियां बननी चालू हो गई। इस तरीके से विपक्षी दल बने, विपक्षी दल धीरे धीरे अस्तित्व में आने चालू हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बोल सकता हूँ कि 1967 के टाइम पीरियड तो जब उस समय पे चौथा चुनाव होने वाला था, तो उस समय पे तो कांग्रेस पार्टी की खुद गठबंधन सरकार बनी। तो कह सकते हैं कि विपक्षी दल जो है सही मायने बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि विपक्षी दल अगर बनेगा तो वो सरकार की जो नीतियाँ होंगी या कार्यक्रम होंगी उनकी आलोचनाएं काफ़ी हेल्थी तरीके से करेगा, स्वास्थ्य तरीके से करेगा। क्योंकि अपोजिशन अगर पार्टी नहीं रहेगी तो सिंपल सी बात है रूलिंग पार्टियां कुछ भी करती रहेगी। तो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए विपक्षी दल का होना ज़रूरी है, और विपक्षी दलों की वजह से क्योंकि हमारे देश के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसी वजह से नए नए लीडर्स का उदय होता जाता है और क्रिटिसिज्म जो है आने वाली पार्टियों का होता ही रहता है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के अंदर शुरुआती समय में, शुरुआती दिनों में जो विपक्षी दल था उनका बहुत तगड़ा रोल था। और कैसे कांग्रेस जो थी दोस्तों वो शुरुआती 3 दशकों तक तो क्या कहते हैं, यानी कि 1952 से लेके 1967 के थ्रू तक तो विपक्षी दल नहीं था, लेकिन इसकी वजह से क्योंकि वो एक आइडियोलॉजिकल कॉलोनेशन था कांग्रेस, इसकी वजह से कांग्रेस के अंदर नई पार्टियों का उदय होना चालू हो गया और बहुत सी पार्टियां बनी, जैसे स्वतंत्र पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ऐसे बहुत सारी पार्टियां अलग अलग होनी चालू हो गई। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इन्हीं पार्टी के बारे में जानेंगे, इनकी फाउंडेशन समझेंगे और ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।